आप लोग देख सकते हैं, मैं इस समय राजस्थान की जो है वो भूमि पर हूँ। राजस्थान, जो राजस्थान का जो इस समय जहाज जिसको बोला जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारे साथ में है। ये देखो कहीं ना कहीं उसको लगा कि मैं कुछ दे रहा हूँ खाने के लिए, दे नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ, वो मैं थोड़ा सा प्रचार कर रहा हूँ आपका, तो वो बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। राजस्थान के अंदर में राजस्थान का जहाज बोले जाने वाला ये ऊँट है। जी हाँ, ऊँट है। लेकिन आज कल के टाइम में जो है वो यहाँ पर जो पर्यटक, जो दर्शक, जो श्रद्धालु, जो बालाजी यहाँ पहुँचते हैं, तीन पहाड़ी पर पहुँचते हैं, लोग यहाँ पर आकर के अपनी फ़ोटो जो है वो यहाँ पर खिंचवाते हैं। यहाँ पर बैठेंगे, आप देख सकते हैं ऊँट को किस तरीके से सजाया हुआ है। ये कल्चर है राजस्थान का। और एक बारी मैं कैमरामैन से कहूँगा, जरा चारों तरफ आप ये दिखा दीजिए, कपड़े जो लगे हुए हैं, ये पीछे देखिए आप, ये आप ये जो ड्रेस लगी हुई है, लहंगा लगा हुआ है, ये लहंगा जो लगा हुआ है, इसी लहंगे को जब कोई कस्टमर जो फ़ोटो खिंचवाना चाहता है तो वो इन्हीं लहंगों को पहन करके चॉइस करता है कि मुझे कौन सा लहंगा पहनना है। और जो वो लहंगा अपना चॉइस करते हैं, उस लहंगे को उतार करके उसके साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल एक तरीके से यहाँ पे ना स्टूडियो का एक माहौल दिया गया है। यहाँ पे राजस्थान की जो है वो टोपी है, जो जैसे अंग्रेज लोग जो पहना करते थे, जो उस समय के राजा महाराजा और जो शिकारी जो शिकार करने जाया करते थे, ये उस तरीके की ये कैप लगाते थे, यानी टोपी लगाते थे, तरह तरह की टोपियां हैं। और यहाँ पे एक राजस्थान का जो कल्चर है, ये उसकी वो टोपी है, यानी कि पगड़ी जिसको बनाया जाता है। लेकिन ये पगड़ियाँ जो रखी गई है, ये बेचने के लिए नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर सिर्फ फ़ोटो शूट करने के लिए ये रखी गई है। जो भी व्यक्ति जो है, जो भी यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाना चाहता है, उस वेशभूषा के कपड़े पहन करके, यानी कि राजस्थान की जो वेशभूषा जो थी उसके कपड़े पहन करके यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो है वो स्टूडियो का जो है वो बिल्कुल यहाँ पर डेकोरेट किया गया है। आप देख सकते हैं, एक सीनरी है, बिल्कुल मेरे बिल्कुल जस्ट पीछे देख सकते हैं, ये सीनरी है। यहाँ पर बालाजी महाराज की जो है, मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जो है वो यहाँ पर फ़ोटो के साथ में एक सीनरी है। लोग यहाँ पर भी अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, फ़ोटो शूट कर सकते हैं उसी अंदाज में जिस तरीके से वो लोग करवाना चाहते हैं। कोई ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं है, सिर्फ इनका काम है फ़ोटो शूट करना, और आपको 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर में आपके हाथ में फ़ोटो जो है वो निकाल करके दे दी जाएगी। आप उसी कल्चर में ढल जाएंगे अपने फ़ोटो के हिसाब से। ये देख सकते हैं, ये वो महल है। आप बिल्कुल ये जो महल देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये सीनरी बनी हुई है महल की। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो राजस्थान की जो भूमि है, जो किला है, इस किले की भी जो है वो यहाँ पर जो पूरी तस्वीर दी गई है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ कपड़े रखे हुए हैं, छतरियाँ रखी हुई हैं, गमले रखे हुए हैं, फ्लावर रखे गए हुए हैं, ये सिर्फ इसीलिए है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो कपड़े जो रखे हुए हैं, इसी के साथ में एक काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर ये वो मशीन है जो 10 से 15 मिनट के अंदर में आपको फ़ोटो बनाकर दे देती है। और ये फ़ोटो बना के देती है, ये उनका एक कैमरा है जिस कैमरे से ये फ़ोटो खींचते हैं, तो उसके बाद में इसके अंदर अपलोड करके इसका प्रिंट आउट निकालते हैं। और उसके बाद में आप ये देखेंगे, राजस्थानी जो वेशभूषा जो होती है, उनके जो गहने होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ये गहने जो है वो सजाए गए हैं, सिर्फ एक फ़ोटो शूट करने के लिए लोग राजस्थानी कल्चर में इस गहनों को पहन करके फ़ोटो शूट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये कड़े हैं, ये गले में पहनने वाला हार है, ये सारे कान में पहनने वाले बूंदे हैं, कान में पहनने वाले ये भी बूंदे हैं, और ये जो कमर पे पहनने वाले जो है ये भी है, और आगे भी जो लगे हुए हैं काफ़ी तरीके के। और ये फ़ोटो जो है वो आप देख सकते हैं, ये घोड़े पे जो है वो फ़ोटो यहाँ पे खिंचवा रखी है बच्चे ने एक, और ये देख सकते हैं एक छोटी बच्ची है, इसने ये फ़ोटो खिंचवाई है सीनरी के साथ में। तो ये तमाम जो जो फ़ोटो है वो यहाँ पर शूट करी जाती है, जो तीन पहाड़ी के रास्ते पर ये आपको मिल जाएगी, यहाँ पे छोटे से लेकर के। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, जो सामने आपको ऊँट दिख रहा है,
वो जो सामने ऊंट आपको दिख रहा है ऊंट की तरफ एक बार दिखा दीजिए, और ये फोटो जो है ये उसी ऊंट पर फोटो खिंचवाई गई है राजस्थानी वेशभूषा में, आप ये देख सकते हैं। ये तमाम जो है वो लोग जब अपनी वेशभूषा में, जो राजस्थानी वेशभूषा में जब लोग यहाँ पर अपनी फ़ोटो को शूट करते हैं, एक बारी मैं यहाँ के जो ऑनर हैं, मालिक के जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से वो लोग काम करते हैं। एक बारी भाई साहब, एक बारी यार, ये गुटखा क्यों खाते हो यार आप लोग? गुटके से हम चलते हैं जी, गुटके से चलते हैं। कैसे चला जाता है ये तो बता दो। इससे क्या है कि जब हम थक जाते हैं तो उसकी थकान दूर हो जाती है। छोड़ दो यार ये गुटका, छोड़ तो दे जी, लेकिन आदत बहुत खतरनाक है ये। काफी दिन से खाते हैं ना तो आदत तो लगी है, तो छूट नहीं सकता, छूट नहीं सकता है। चलिए आगे से कुछ करिए कि इसको छोड़। हाँ, कोशिश करेंगे। छोड़ दोगे? हाँ, पक्का पक्का। चलिए मैं सबसे पहले आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे फोटो खींचते हैं जी, क्या नाम है आपका? हरिओम सिंह राजपूत। राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं? राजस्थान। आप कुछ बताओ हमारे जो दर्शक को, जो हमारी इस वीडियो को देख करके आपके पास जब पहुंचे तो वो किस तरीके की आप लोग फोटो खींचते हो और कितना पैसा लेते हो आप लोग एक फोटो का, या जो बड़ी साइज है उसका क्या है और छोटी साइज? आपको मैं साइज दिखाता हूँ, पहले साइज के हिसाब से बताऊंगा। बताइए बताइए, मैं आपको लेके चलता हूँ, वो साइज दिखाएंगे। और एक बारी मैं कैमरामैन को कहूँगा फोकस करके रखें। देखिए जी, ये साइज हम बनाते हैं 100। ये देखिएगा, ये 100 रुपए का जो साइज है, कम्प्लीट बनाते हैं जैसे ज्वेलरी वगैरह सब कुछ लगा के, 100 रुपए का पड़ता है। अच्छा, और इससे छोटा जो बनवाओगे आप वो छोटा बनेगा आपको 50 रुपए का, इतना बड़ा। अच्छा, ये 50 रुपए? 50 रुपए का। अच्छा हाँ, और इससे भी छोटा आता है एक, वो हम 30 में भी बनाते हैं, 40 रुपए भी ले लेते हैं, उसके जैसा कस्टमर होता है वैसे पैसे लेते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, ये साइज तो पता लग गया, लेकिन अभी जो कपड़े रखे हुए हैं जो आपके, हाँ, तो इनको किस तरीके से आप लोग किराए पे कैसे देते हो, या इनको पहना करके ही सिर्फ उसी में एडजस्ट करते हो? तो ये किराए पे नहीं देते हैं हम। हाँ, ये जैसे कि कस्टमर आते हैं उनको पहना के हम फोटो खींच के फोटो देते हैं बस। अच्छा, फोटो खींच करके फोटो देते हो? तो यहाँ पर बच्चे भी आते हैं और बूढ़े लोग भी आते होंगे अपने फोटो शूट कराने के लिए, तो यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा, मैंने इनसे भाई से मैंने बात करी और अच्छा लगा, क्योंकि एक राजस्थान का जो कल्चर है जो इस समय डूबता हुआ चला जा रहा है, ऊँट है जिसको हम लोग कभी राजस्थान का जहाज बोला करते थे, रेगिस्तान के अंदर में चलने वाला जो ऊँट है वो एक तरीके से जहाज माना जाता था यहाँ पर, और धीरे धीरे जब वो कल्चर जब समाप्त होता चला जाता है, जब ऊँट जो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं, तो ऊँटों को जो है वो फोटो शूट करने और कहीं ना कहीं उसको अपने फ़ोटो के अंदर में इस्तेमाल करके, जो अपनी फ़ोटो को बना करके अपने घरों में रखना चाहते हैं लोग, अच्छा दिखने के लिए कि हमारी फ़ोटो जो है, हम राजस्थान गए थे, एक यादगार हमारी जो है वो बनी रहे। और मैं इनसे एक चीज़ और सवाल पूछना चाहूँगा कि जो आप लोगों के जो रेट हैं, इसमें कई बार ऐसा भी होता होगा जो लोग बोलते होंगे भैया कम कर लो। हाँ, बोलते हैं ना, तो आप लोग क्या कम करते हो कि नहीं? हाँ, जैसे कि किसी बाई चांस में, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि जो रेट पूछते नहीं है, फोटो बनवा लेते हैं, बोल देते हैं बड़ी निकाल दो, तो किसी की 10-10, 20-20 फोटो हो जाती हैं, तो उनके पास में जैसे बाई चांस पैसे कम होते हैं तो हम लोग उन्हीं के हिसाब से रेट लगा देते हैं। जैसे बाई चांस 20 फोटो है तो हम 50 के हिसाब से बोलते हैं, तो 50 के हिसाब से लगा देते हैं। ये नहीं है कि हम मतलब कि उनके पास पैसे नहीं है ज़बरदस्ती करें, नहीं, जैसे किसी के पास जैसे उसने रेट नहीं पूछा है और उसने फ़ोटो बनवा लिया, ज़्यादा फ़ोटो हो गए, तो हम उनको उसी हिसाब से लगा देते हैं जितना वो लगवाते हैं। जैसे 50 की बोल दिया तो 50 लगा देते हैं। 50 लगा देते हैं? हाँ, जैसे 70 लगा देते हैं। अच्छा, जितना बोलते हैं वो जितना लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है लोग, ये लोग भी समझौता करते हैं, आप लोग भी इनसे जब, ये भी किसी ना किसी तरीके, देखिए धूप में बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ कमाने के लिए ही बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग अपने सामान को, अपना घर बार छोड़ करके ये सुबह से लेकर के फिर रात तक, फिर रात से फिर चालू होते हैं फिर सुबह तक, यानी कि यहाँ पे सब श्रद्धालु जो हैं वो लगातार 24 घंटे शायद यहाँ पे आते रहते हैं। हाँ, 24 घंटे आते हैं, 24 घंटे। बिजली की यहाँ पे सुविधा कैसी है? बिजली आती है ना, 24 घंटे बिजली रहती है, बिजली 24 घंटे रहती है यहाँ पर। और यहाँ पर पानी की सुविधा किस तरीके से आप लोग लेकर के आते हैं? पानी तो हमारे यहाँ पे जैसे खच्चरों से आता है। अच्छा, खच्चरों से आता है? इतनी ऊंचाई पर ये आप लोग पानी? खच्चर से आता है। अच्छा, नीचे तो बहुत है। कहना चाह रहे थे भाई साहब आप ऊपर आ जाओ जरा, खच्चरों से पानी आता है यहाँ पे। पानी की जो व्यवस्थाएं जो हैं वो थोड़ी सी बहुत कहते नहीं उसको, धीमी गति में, यानी कि राजस्थान को सूखा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद, बहुत संघर्षों के साथ में यहाँ पर
पानी लेकर के आया जाता है। राजस्थान के अंदर में पानी की कमी पहले से भी लोग बताते थे और आज भी बताते, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर में पानी इतनी ज़्यादा नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर कोशिश करके खच्चरों के द्वारा जो है वो यहाँ पर पानी लाया जाता है। मैं आप लोग क्या सोचते हैं हमारे इस प्रयास को लेकर के, कैसा रहा हमारा ये प्रयास, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें कमेंट बताइएगा, राजस्थान के कल्चर के बारे में बताइएगा। अगर जो राजस्थान के हैं वो ज़रूर नीचे जो कमेंट ज़रूर कीजिए कि हम राजस्थान से हैं और हमारे कल्चर को बढ़ावा किस तरीके से मिलना चाहिए और राजस्थान की जो भूमि है राजस्थान के अंदर में किस तरीके से विकास होना चाहिए, इसके लिए भी आप लोग हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने कैमरामैन बब्बन के साथ में आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए, जय हिंद जय भारत।